हमने यहाँ पे देखा अभी इस मुझे यहाँ पे सिंपल सा फंडा मुझे पता है कि मुझे कोई भी चीज़ कॉल करना है, मैं ऐसे पाथ कॉपी कर लेता हूँ या सिंपल मैंने क्लिक एंड ड्रैग कर दिया। ये हमें यहाँ से पता है कि कैसे काम करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या, इनमें सब पासिस हैं, इनमें मल्टी पासिस हैं, मल्टी पासिस को कैसे सेट करते हैं सबसे पहले देख लेते हैं। वन प्रेस करते हैं यहाँ पे तो मेरे पास ये एक सिंपल सा एक आपका EXR फॉर्मेट आपका आ गया, ठीक है। जैसे कि भाई लोग जानना चाहते हैं कि भाई EXR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हम लोगों ने यहाँ पे भी देख लिया, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। EXR का फुल फॉर्म भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। एक्सेंट्रिक डायनेमिक रेंज, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ आ जाएगा। अभी मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर फुल फॉर्म के साथ हम लोग डील करें यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे चीज़ को अलग से लेके आना, तो बस ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रखा है क्या है, लेयर कॉन्टेक्ट शीट, आप यहाँ को यहाँ पे जाओगे सिंपल यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। एक ऑप्शन आपको बस यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, नोट पे आगे ये दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। ओके अभी मुझे यहाँ पे ये ऐड ऑन करना है, मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऐड ऑन किया, ये देखो यहाँ पे आ गया। अभी आया तो आया कैसे देखते हैं, ठीक है। क्लिक किया मैंने यहाँ पे, डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। डबल क्लिक करने पर आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अभी इसमें चीज़ें हैं क्या, जैसे आपके यहाँ पे देखो यहाँ पे चाहते हो आपको लेयर नेम चाहिए तो लेयर नेम मिलेगा, ठीक है। सो लेयर नेम देखना यहाँ पे, मेरे पास दो है इसलिए मैंने यहाँ पे मैनेज करके इसको मैं कर देता हूँ टू एंड लॉक, ठीक है। आप चाहते हो लेयर नेम चाहिए तो लेयर नेम भी मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। जैसे RGB है, यहाँ पर मास्क है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन है, यहाँ स्पेकुलर है, ठीक है। अभी इसके अंदर अगर आपको याद हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर हम लोग R प्रेस करते हैं तो R में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको लाइक यहाँ पे कुछ जैसे हो ना कुछ नॉइजेज हम लोग डिटेल दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। फ्रैक्टल टाइप से कोई डिटेल दे रखा है, वो चीज़ हमने R में डाल रखा है। बाकी देखो बाकी में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। जो मास्क वाले उसमें चेंज है, ठीक है। अब R के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ, R के बाद क्या आता है, जी जी प्रेस करते हैं, जी में आपको क्या मिलेगा, ऑक्लूजन, ठीक है। जी में ऑक्लूजन, आर में क्या मिलेगा आपको, आपको जैसे कोई भी डिटेल्स आपने अलग से ऐड ऑन करेगा तो आपको आर में वो मिलने वाला है, जी में आपको मिलने वाला है ऑक्लूजन, ठीक है। ऑक्लूजन पास आपको इसमें ऐड ऑन होता है, ठीक है। और बाद में हमारे पास बचता है क्या है, बी, बी में हम लोग जाते हैं तो बी में हमें मिलता है शैडो पास, ठीक है। बी में क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, शैडो पास। तो ये चीज़ें क्या है कि आपको .ex आगे फॉर्मेट में चीज़ें मिलती हैं। अभी मैं वन बाय वन करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आर में आपको लाइक फ्रैक्टल या कोई भी आपने ये हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने आर में कोई भी फ्रैक्टल टाइप की कोई चीज़ें दे रखी है यहाँ पे, तो वो चाहिए आपको नॉइजी टाइप का कोई चीज़ चाहिए तो वो हमने इसमें ऐड ऑन करके रखा हुआ है, आर जी एंड बी, ठीक है। रेड ग्रीन, ग्रीन में ए ओ एंड बी में शेडो, ये आ गया। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है यहाँ पे, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे करें, हमें ए याद है, ए फॉर अल्फ़ा, ए प्रेस करने पर अल्फ़ा आपको कहाँ मिलेगा, सिर्फ RGB में, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा ए में अल्फ़ा में मिल रहा है, ओके। अभी अल्फ़ा में यहाँ पे देख लिया, अभी देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे देखती हैं सिंपल सा बात, यहाँ पे देखो RGB है। मैं अगर यहाँ पे नॉर्मल में अगर इन चीज़ों को मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया सिंपल सा बात, यहाँ पे मैं सिंपल वन प्रेस करता हूँ यहाँ पे, यहाँ देखो जनरल कुछ नहीं है, मैंने अभी लेयर कॉन्टेक्स्ट से अलग हटाया, इस पर क्लिक कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ चेक करो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे क्या है, जैसे यहाँ पे देखो मास्क, तो मास्क में आपको यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं। मास्क को आप ध्यान से देखो तो तीन लेयर अब आपको दिखेगा, जो आपको पहले नहीं पता था अब आपको दिखेगा। कुछ हल्का सा दिख रहा है यहाँ पे नॉइजी टाइप से चीज़ें, अंदर व्हाइट सा वो पार्ट दिख रहा है, व्हाइट आपका AO दिख रहा है, और यहाँ पे शेडो ग्रीन कलर का ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये पार्ट आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। रेड ग्रीन ब्लू यहाँ पे कई बार आपको यहाँ पे चीज़ें, जैसे जिसके लोअर वर्जन है उसमें यहाँ पे भी दिखेगा। यहाँ पे दिखने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे कुछ मास्क शेडो, कुछ रिफ्लेक्शन रेड, कुछ यहाँ पे विजुअल नहीं है, ठीक है। लेकिन जिनका थोड़ा सा लोअर वर्जन है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया 12.2 है, जिनका 10 में है, उनमें यहाँ पे वो चीज़ें दिखेंगी। आप रेड में चेंज करोगे तो वहाँ पे दिखेगा, अगर ऐसे नहीं दिखता तो प्रेस करो R, ठीक है। रेड RGAO, ठीक है, एंड ब्लू शेडो। इसलिए मैंने आपको बताया कि वर्जन में डिफरेंसेस हैं, जो चीज़ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मास्क में आपको यहाँ चीज़ देखने को मिल रहा है यहाँ पे, यहाँ देखो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन में क्या है, मैं बहुत ही प्रॉपर रिफ्लेक्शन यहाँ पे देख रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने रिफ्लेक्शन पास, मैंने आपको लाइक पहले भी डिस्कस किया था कार के अंदर कि भाई मेरे पास रिफ्लेक्शन पास है, मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ कि मुझे कुछ ऐसा पास चाहिए तो मैं अलग से निकाल के भी मैं मैनेज कर सकता हूँ, तो मैं अलग अलग भी कॉल कर सकता हूँ और मैं इसके थ्रू भी लेके आ सकता हूँ। यहाँ पर आप देखो स्पेकुलर, स्पेकुलर पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। बाकी चीज़ आपको और भी चाहिए अलग अलग यहाँ पे चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अभी बेसिक चीज़ हम लोगों ने ध्यान दिया, भाई मेरे पास अगर मैं देखता हूँ, मैंने यहाँ पे स्पेकुलर किया, यहाँ पे मुझे रेड में कुछ दिख रहा है क्या, ग्रीन में कुछ दिख रहा है क्या, या अल्फा में कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पर आप इन चीज़ को एक बार क्रॉस चेक करके देखना अपने अपने वर्जन में, जिसका वर्जन जैसा हो वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पर अदर चैनल में जाओ, यहाँ पे देखो भाई सीधा कुछ भी एस एच, यहाँ पे कुछ भी आपको देखने को मिल रहा है नहीं है, ठीक है।
तो अभी हम लोग यहाँ पे जाते हैं, तो यहाँ पे मुझे चीज़ों को क्या देखना है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या क्या काम किया, जैसे आर जी बी है एंड आर जी बी ए। आर जी बी ए का मतलब क्या हुआ, रेड ग्रीन ब्लू एंड अल्फ़ा, ए फॉर अल्फ़ा, अल्फ़ा आपको यहाँ पे देखेगा, ठीक है। अभी मैंने आर प्रेस किया तो नॉर्मली देखेगा, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे देखा, ठीक है, यहाँ पर मतलब हम लोग को थोड़ा आइडिया मिल गया कि ठीक है मैं यहाँ पे क्या काम करना है, ठीक है। मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ लेना है तो मैं टैप प्रेस करके भी ले सकता हूँ, जैसे मैंने कहा LAYER, ठीक है, लेयर आ गए ना, लेयर कॉन्टेक्ट शीट, ठीक है, ये आ गए मेरे पास यहाँ पे। और मैं यहाँ पे देखो कुछ चीज़ ऐसा ऑप्शन जो मैंने आपको बताया यहाँ पे दिखेगा आपका, सिंपल लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, ये मैंने कनेक्ट कर दिया, देख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। डबल क्लिक करोगे आप अगर इसका नाम देखना चाहते हो तो यहाँ पे सो लेयर नेम भी देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये आपको यहाँ पे प्रॉपर नेमिंग दिखेगा। यहाँ पे प्रेस करोगे रेड आर, आर में आपको विजुअल होगा रेड ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे देखा डॉट ई एक्स आर का यूज़ क्या है, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अपना क्या है कि थोड़ा सा मैं आपको लाइटिंग के साथ कॉम्पिंग भी बताऊँ, ठीक है। कॉम्पिंग में क्या काम कर सकते हैं वो भी हम लोग एक बार क्रॉस चेक करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इसमें न्यू कॉम्प लेते हैं यहाँ पे, ओके, न्यू कॉम्प आ गया मेरे पास यहाँ पे। एज यूजल जैसे मैं नोड यहाँ पे लेके चलता हूँ, ठीक है, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग किया मैंने यहाँ पे, ये मेरे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। इनपुट को हम लोग यहाँ पे सेट कर लेते हैं यहाँ पे, और देन यहाँ पे हमें क्या कोई भी चीज़ अगर मुझे कॉल करना है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल से दोनों को लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग कर दिया मैंने यहाँ पे। चलो इसमें भी आपको बहुत अच्छा प्रैक्टिस मैं करवा देता हूँ आपको। यहाँ पे करना क्या है आपको, यहाँ पे सिंपल सा पार्ट आपको चीज़ों को जोड़ना है, तो हम लोग यहाँ पे प्रेस करते हैं एम, एम फॉर मर्ज, यहाँ पे हमने नॉर्मल सा टू एंड लॉक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। मर्ज है, मर्ज में क्या करना है, बी फॉर बैकग्राउंड हो जाता है और ए फॉर आपका फोरग्राउंड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया, वन वन प्रेस कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पहले देखो यहाँ पे, मुझे यहाँ पे चीज़ों को लाइक मुझे एनिमेट करना है, तो मैं एनिमेट करूँगा कैसे, सिंपल सा पार्ट टैप प्रेस किया ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म लिया मैंने यहाँ पे। ट्रांसफॉर्म में मुझे यहाँ पे की लगाना, राइट क्लिक सेट की, राइट क्लिक सेट की, रोटेशन पे भी की दे देता हूँ, ठीक है, स्केल पे मैंने की दे दी यहाँ पे, डन। यहाँ पे की सेट कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी की देने के बाद हमें यहाँ पे थोड़ा सा इन सब चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करके रखना है, ठीक है। की देने के बाद हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ए आ जाता है, ए फॉर एनिमेशन आपको विजुअल होगा, ठीक है। ये मैं बस की है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग वन फ्रेम पे, मैं यहाँ पे सिंपल एंड फ्रेम पे गया यहाँ पे, ठीक है, लाइक स्टार्टिंग एंड एंड, ठीक है। अभी यहाँ पे जाने डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, सिंपल सा पार्ट मैंने इसे वो पकड़ा और मैं यहाँ से यहाँ तक लेके आ गया। बहुत सिंपल सा पार्ट है, अगर मैं आपको बताऊँ तो लाइक नॉर्मल सा पार्ट आप यहाँ पे प्ले करके देखो तो ये नॉर्मल एनिमेशन दिखेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। अभी लगता है मुझे 50 पे जाके मैं तो हल्का सा मैं कर्व यहाँ पे मैनेज कर दूँ यहाँ पे, तो मैंने ऐसे कर्व मैनेज कर दिया यहाँ पे, तो आपके चीज़ें ऐसे भी आ जाएंगे यहाँ पे पीछे के। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको मुझे दिखाना है तो ऐसा लाइक स्केल कर देना है, छोटा कर देना है, पीछे से मैंने दिखाया तो छोटा कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल एंड मिडल माउस बटन प्रेस किया मैंने यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे क्या किया चीज़ को थोड़ा सा छोटा करते ऐसे दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है, ऐसा कुछ पार्ट आ रहा है। अभी मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है, मैं बस यहाँ पे क्या कुछ रोटेशन है, रोटेशन भी पार्ट है, मैं बस यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ को मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे, थोड़ा सा रोटेशन यहाँ पे, ठीक है, ऐसा कुछ दिखाया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके भी यहाँ पे, ठीक है, चीज़ को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी मेरे पास जो कीज़ है वो कीज़ को भी हम लोग कुछ ऐसे टाइप से दे, जैसे मैं अंडू कर रहा हूँ यहाँ पे, मेरे पास 50 पे है। अभी यहाँ पे की का पार्ट आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्लिक किया मैंने यहाँ पे, नेक्स्ट की कहाँ पे की पा जाएगा आपको यहाँ पे, और देन मैं यहाँ पे हल्का सा कंट्रोल प्रेस करके मैंने रोटेशन दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या मेरे पास जो चीज़ें हैं मुझे यहाँ पे मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं प्ले करके ऐसा कुछ बेसिक सा मैंने यहाँ पे पार्ट को सेट कर दिया, ठीक है। अभी व्हाट नेक्स्ट, यहाँ पर हमने एक बेसिक एक एनिमेशन दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे छोटा बड़ा हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि मेरे पास स्टार्टिंग में छोटा है, देन धीरे धीरे वो बड़ा होते जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ग्राफ एडिटर जैसे मैंने आपको बता दिया, डॉ शीट मैंने आपको जैसे बता दिया कि भाई कैसे क्या काम करना है, किस तरह से मैनेज करना है। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, लाइक सपोज मुझे यहाँ पे क्या करना है, सनसेट का सीन बनाना है। अभी देखने पे तो अपना सनसेट लग नहीं रहा, ठीक है। अभी हमारे पास, अभी मान लो हम लोग जिस स्टूडियो में काम करें उन्होंने कहा नहीं मुझे सनसेट का सीन चाहिए, तो मुझे करना क्या होगा, तो वॉट वी वॉन्ट, सिंपल सा वर्ड सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। आपको शॉर्टकट याद होगा शायद, कुछ चीज़ों का शॉर्टकट मैंने आपको यहाँ पे बताया, कहाँ गया, कॉपी नहीं चाहिए था मुझे, सॉरी। ये एक चीज़ और ध्यान देना है, ठीक है, अगर आप कोई भी चीज़ यहाँ पे जो शॉर्टकट है वो आपने यहाँ का शॉर्टकट यहाँ पर ड्रॉ कर दिया तो वो पार्ट वहाँ पे नया आ जाएगा, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे कि कैसे क्या मैनेज करना है। टैब पे चलते हैं यहाँ पे, जैसे हम लोगों ने यूज़ किया ग्रेट, ग्रेट अभी ग्रेट को आपको मैंने बोला था शायद थोड़ा सा स्टडी करने के लिए, ठीक है। ग्रेट लिया मैंने यहाँ पे, बैकग्राउंड पे लेके चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी ग्रेट को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं यहाँ पे, ग्रेट में मेरे पास है क्या,
लाइक यहाँ पे मेरे पास गेन है, गामा है, तो गेन के सामने यहाँ पे मैंने क्या किया, क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है। और मैं अपने थोड़ा सा रेड इंक्रीज़ करता हूँ यहाँ पे, रेड इंक्रीज़ करते क्या था, सनसेट में जो आप पार्ट होता है वो चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये ऐड ऑन किया, ग्रीन मैंने हल्का सा कम किया, तो लाइक अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कम ज़्यादा करके देखो कैसा होता है, तो लिटिल बिट ऐसा कुछ किया मैंने यहाँ पे, तो ये पार्ट आपको देखिए यहाँ पे। ब्लू को देखो मैनेज करते हैं यहाँ पे, हल्का सा ब्लू मैनेज कर देखते हैं हल्का सा। अब सनसेट का कलर क्या होता है, अब आपको याद होगा लाइक हल्का सा ऑरेंजिस्ट होगा, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिक सा शेप मैंने आपको बताया क्या काम है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देने, देखो आपको जो ये प्लेन है, प्लेन पर व्हाइट सी लाइन देखी है यहाँ पे, अभी ये लाइन आ रही है तो क्यों आ रही है, इसको भी हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, टैप प्रेस करते हैं और यहाँ पे होता है प्री मल्ट, प्री मल्ट, ठीक है। जब भी आप कोई PNG इमेज कॉल करोगे कभी भी, तो आपको ये अप्लाई कर लेना है। इसे अप्लाई करने के बाद आपको क्या प्रॉब्लम फेस नहीं होगा, देखो यहाँ पे ये मैंने सेट कर रखा है यहाँ पे डी से, ठीक है, डिसेबल दिख रहा है यहाँ पे, व्हाइट सपाट दिख रहा है यहाँ पे। जब भी आप प्रीमल्ट कॉल करोगे आप यहाँ पे, तो वो आपको जो कॉर्नर पर जो व्हाइट सी लाइन है वो चला जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको प्रॉब्लम का, ठीक है। ये पार्ट ऐड ऑन किया मैंने यहाँ पे, सिंपल सेट किया। अभी ग्रेड को मैं यहाँ पे मैनेज करता हूँ, ठीक है, ओके। यहाँ सेट किया मैंने यहाँ पे, कंट्रोल प्रेस करके हम लोग ये डॉट इट कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये सब कुछ अभी क्या है, आप वन बाय वन करके मैनेज कर रखा है। डी डी प्रेस करोगे तो आपका डिसेबल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसा कुछ काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, सब कुछ सेलेक्ट करते हैं एक साथ। सेलेक्ट करने के लिए प्रॉपर सिलेक्शन ऐसा कुछ होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ मैनेज करके सेट कर सकते हो आप यहाँ पे। तो आपका जो नोड होना चाहिए वो नोड कुछ इस टाइप से दिखे, जो थोड़ा सा देखने में अच्छा भी लगे, प्रोफेशनल भी लगे। अभी हमने यहाँ पे चेक किया, चलो मैंने यहाँ पे क्या किया, बैकग्राउंड को तो मैंने सनसेट जैसा लुक एंड फील दे दिया, लेकिन मेरा प्लेन मैच नहीं हो रहा है ना। प्लेन मैच करने के लिए मुझे ऐसे भी सनसेट का कुछ पार्ट ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो व्हाट वी वांट सेलेक्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे, टैप प्रेस किया, ग्रेट GRAD ग्रेट क्रिएट किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ग्रेट करने यहाँ पे कनेक्ट हो गया। सेम चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे क्या काम करना है, सबसे पहला पार्ट आपको यहाँ पे गया गेन में, गेन में आपने क्लिक किया यहाँ पे, क्या किया गेन पे किया यहाँ पे, ठीक है। अभी क्या, तो गेन के साथ प्ले करो तो ज़्यादा बेटर है क्या, आपके पास जो चीज़ें इसमें काफ़ी चीज़ सिमिलर भी हैं। ये हमने यहाँ पे काम किया देखो यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट यहाँ पे हल्का था, ठीक है। अभी वो काफ़ी तक आपको चीज़ मैनेज होगा यहाँ पे। दूसरा पार्ट आपका यहाँ पे क्या है, हल्का सा गामा, क्या है गामा से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कहीं पे बस डार्कनेस, और डार्कनेस को हल्का सा कम करने के लिए हम लोग गामा का ऐसा यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे चीज़ें काफ़ी हद तक आपको मैच दिखेगा यहाँ पे, जो कलर टोन आपका जो होगा वो सिमिलर सा आ जाएगा यहाँ पे। कैसे क्या काम कर सकते हैं, इसी में एक चीज़ और है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल मैंने क्या किया यहाँ पे, मैं स्पेसर प्रेस कर देता हूँ मैक्सिमाइज करने के लिए यहाँ पे, एफ फॉर फिट, ठीक है। ये बफर भी लेता है, लाइक बफर में कैसे फाइल भी एक बार बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार आप ऐसे करके भी प्ले करके देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो नॉर्मली आपको यहाँ पे थोड़ा सा चाहिए और जैसे देखेंगे यहाँ पे स्पेस बार, स्पेस बार से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, क्लिक किया स्पेस बार एंड मैक्सिमाइज कर दिया। ये मेरे पास एक्सपर्ट, हाँ एक्सपर्ट मोड में बस यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे।